गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी शिवाली एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ व्यू। आज है 6 जून और आज मंडे है। कल 7 जून मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है। आज मॉर्निंग से ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई हूं क्योंकि रात से मेरी बेटी को काफ़ी फीवर था। अब थोड़ा बेटर है, अभी वो रेस्ट कर रही है और उस बीच आज थोड़ा बहुत काम घूम भी करना था, सफाई वगैरह ये वो, तो बस इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं ज़रा बना पाई हूँ। बाकी अब पूरे दिन में जो जो होता रहेगा, जैसा भी होता रहेगा, छोटे छोटे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्या क्या मैं उसकी बर्थडे की प्लानिंग कर रही हूँ, कैसे कैसे हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी होगा शेयर करती रहूँगी आपके साथ। अभी तकरीबन 4 बजने वाले हैं और मैं अपने बेटे को स्केटिंग क्लास में उसको छोड़ने जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं उसकी स्केटिंग क्लास में। तो अब जाने लगे हैं, उसको मैं छोड़ने जा रही हूँ स्कूल की स्केटिंग क्लास में। आपको भी लेके चलते हैं साथ साथ, चलिए। मैचेस हो रहे हैं खेलो इंडिया खेलो। इवनिंग में अगर आप कोई भी अगर इस साइड आता है, 21 सेक्टर की साइड से आता है, तो इस साइड से बिल्कुल भी मत आइए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सो पहुंच गए हैं आदिका स्कूल, तो आपको दिखाती हूँ आदिका स्कूल। सो ये है मेरे बेटे का स्कूल, ये जा रहे हैं बच्चे, काफ़ी वेट कर रहे हैं अंदर स्केटिंग के लिए, टाइम हो गया ऑलमोस्ट। और सर भी इनके आ रहे हैं, वो सामने से इनके सर भी आ रहे हैं, बाय। तो चलते हैं, अभी तकरीबन 6:30 होने वाले हैं और मैं बेटे को जा रही हूँ उसके स्कूल लेने, उसकी क्लास ऑफ होने वाली है और उसके बाद हम सीधा जाएँगे मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करने जाएँगे, कल का जो थोड़ा बहुत सामान रह गया। जैसे जैसे जो जो साथ साथ मेरे को करेगा आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, चलिए चलते हैं उसको लेने के लिए। अभी हम आए हैं सब्जी मंडी, सब्जी वगैरह लेने कल के लिए, और चलिए जल्दी से सब्जी वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं। सारी सब्जियां वगैरह और अब चलते हैं मार्केट, नेक्स्ट मार्केट में कोल्ड ड्रिंक वगैरह और छोटा मोटा सामान लेने के लिए। तो ले ली है सारी सब्जी, तो चलो चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट मार्केट में, वहाँ मिलते हैं आपको, चलिए। अभी हम आए हैं सिंधी केक लेने के लिए, जो रात को कट करेंगे एक छोटा सा केक, तो चलिए चलते हैं और लेते हैं छोटा सा केक। केक हमने फाइनल कर लिया है, ये रेनबो केक लिया है ये वाला,
अभी इस पे हम नाम लिखवाते हैं और ये लेते हैं। अभी तकरीबन 10:30 बज गए हैं और डिनर वगैरह हमारा जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे मार्केट से ही, हम 9:30 तो मार्केट से ही आए हैं। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है मार्केट में भी हमें, और रात को 12 बजे केक कट करना है, तो इसलिए दीदी जी को भी बुलाया है। वो भी अभी जस्ट आने वाले हैं, वो भी पहुंचने वाले होंगे। और अपना रूम अब मैं डेकोरेट कर रही हूँ थोड़े बहुत बैलून्स वगैरह लगा के, बाकी जो कल की डेकोरेशन है वो तो अलग से होगी। अभी जस्ट रूम में हल्का फुल्का डेकोरेट वगैरह कर रहे हैं रूम को, तो जैसे रूम डेकोरेट वगैरह होता है तो मैं आपको ज़रूर अपना दिखाऊंगी। सो अभी रूम डेकोरेट कर लिया थोड़ा बहुत, मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, बस हल्के फुल्के बैलून्स वगैरह लगाए हैं, बाकी मेन डेकोरेशन तो कल की होगी तो वो जरूर दिखेगा, उसको मिस मत करिएगा। अभी तो जस्ट ऐसे ही हल्की फुल्की से की है, कोई ज़्यादा नहीं किया। बाकी अभी केक कटिंग जैसी होगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। दीदी जी भी आ गए हैं और देखते हैं जैसा भी होगा, अभी कटिंग टाइम जैसे 12 बजे के कटिंग करेंगे तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिए और इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। सो 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो हम जल्दी से केक कटिंग की तैयारी करते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं जल्दी से। केक हमने लगा दिया है, अब सब जल्दी से जैसे ही बैठेंगे तभी हम कैंडल्स लगाएंगे और केक कटिंग करेंगे। केक आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ जरूर बताइएगा। चले गए हैं, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा है। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल,
और कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो व्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो मेरे इस व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, और कल का व्लॉग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, कल का व्लॉग भी देखना, और मेरी बेटी के लिए प्लीज़ विश जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव।